मतलब अगले मंडे से पढ़ाई करूंगा, महीने की पहली तारीख से मैं जिम ज्वाइन कर लूंगा। 4 दिन लगातार वो सीरीज खत्म कर दी। अरे साथ साथ सेमेस्टर भी तेरा खत्म हो चुका है। विल मेक यू सेक्सी, कैसे, जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है। कुछ आउटपुट, आज मुझे गेमर बनना है, कल मुझे क्रिकेटर बनना है, नहीं। अगर आपका Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan S. Dhingra, your own the formal edit. आज हम बात करने जा रहे हैं about hobbies. Hobbies play a very important role in your life. आपकी personality को बहुत अच्छा कर सकती है, enhance कर सकती है. It can even make you or break you. वो क्या है ऐसी hobbies? आइए बात करते हैं। अब hobbies की इतनी importance क्यों है आपकी life में? पहले आप ये जानिए कि hobbies होता क्या है. Hobbies are anything which you do in your free time. जो activity में आपका interest है, आपको relax कर रही है या आपको pleasure चाहिए उससे, वो चीज़ आपने करी. लेकिन वो free time वाली activity अगर आपकी main life पे, जहाँ पे आपके goals है, आपके aims है, उसको disturb करे, उस पर impact आए, आपकी personality को dull करे, वो negative है. We have to avoid that. Second, कौन सी hobbies होती है? Positive, which will make you sexy. कैसे? जो आपकी personality को enhance करती है, कुछ output देती है, कुछ goal oriented development या पर्सनालिटी डेवलप होती है उससे, दोज आर पॉजिटिव हॉबीज. अब बात करने जा रहे हैं हम सेक्सी हॉबीज के बारे में. इसके अंदर आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, चाहे वो डांसिंग है या आप रीडिंग है, मैं आपको वो पैरामीटर बताऊंगा जिससे आपकी पर्सनालिटी और अट्रैक्टिव और सेक्सी होगी. अगर आप वो पैरामीटर्स के हिसाब से हॉबी चूज करेंगे तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है? हेल्थ. ऐसी कोई हॉबी डालिए, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चाहे जिम हो, चाहे योगा, एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ जो आप डेली बेसिस पे करते हो, लोगों को लगे यू आर वेरी एक्टिव. बेसिकली आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो रादर देन पूरे टाइम सिगरेट पीना, शराब पीना, जंक फूड खाना. सो यू आर मेंटेनिंग योरसेल्फ, क्योंकि ये प्रूवन है जो लोग थोड़ा वर्कआउट करते हैं या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं वो थोड़े से एक्टिव रहते हैं, पूरे टाइम पॉजिटिव रहते हैं और चार्मिंग रहते हैं. और किसी को भी नहीं पसंद होगा कोई बंदा बहुत लेजी हो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन जिम में बैठ जाना, इसका मतलब क्या है? टू बी एक्टिव एंड अवॉइड लेजी. सेकंड पैरामीटर है आर्टिस्टिक, मतलब फोटोग्राफी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो. दिल क्यों ये शोर करे, कोई भी जिस पे भी इंटरेस्ट हो वो रखिए, नहीं तो पर्सनालिटी बहुत ठंडी सी, बहुत कोल्ड हो जाती है, एकदम पत्थर से हो जाते हैं ना लोग. हाँ मैं 8 घंटे काम करके आया हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे पास ये वही गाड़ी है, वो नहीं दिखाना हमें. हमें अपनी क्रिएटिव साइड, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साइड दिखानी है. वो कैसे आएगी? जब आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्व करेंगे हॉबीज़ में, कोई भी ऐसी क्रिएटिव साइड आएगी, चार्म बढ़ेगा, लोगों को आपसे बात करने में मज़ा आएगा. अगला पैरामीटर है टुगेदरनेस. टुगेदरनेस मतलब आप अपनी फैमिली से कितने कनेक्टेड है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं. आई नो इस एज में क्या फ्रेंड्स और मस्ती ज्यादा मैटर करती है, वो दिमाग में रहती है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम भी इंप्रूव हो सकता है हॉबीज के साथ. और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन फैक्टर है वो, कैसे, प्लेइंग कार्ड्स विद योर फैमिली, लूडो, ऊनो, अपने संडे में पराठे के टाइम गपशप होगी फैमिली के साथ, वो सब मैसेज आएगा बी राइट बैक फैमिली टाइम, वो बोली ओ फैमिली गाय. फोकस और बैलेंस, अगर बहुत ज़्यादा आप गुस्सा करते हैं, अग्रेसिव है, वो किसी को पर्सनैलिटी अट्रैक्ट नहीं करती या आपको बैलेंस नहीं है. आज मुझे गेमर बनना है, कल मुझे क्रिकेटर बनना है, नहीं. अगर आपका फोकस नहीं है लाइफ में, किसी को पसंद नहीं आता वो, उसके लिए क्या करें? हॉबीज से डेवलप कर सकते हैं. रीडिंग, रीडिंग आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है. जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो करिए. नॉर्मल रीडिंग सबको बोरिंग लगती है, आप रीडिंग कर सकते हैं. बॉडी बिल्डिंग, कुकिंग, आपका गेमिंग में, किसी में फैशन में इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं. मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल, अपनी हॉबीज में डालिए, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा. अगला है फैशन और ग्रूमिंग. उससे आपका क्या, आपका टेस्ट भी इवॉल्व होता है, बेटर होता है, और साथ साथ क्या, आप इससे आपका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आप ये चैनल देख रहे हैं तो फैशन ग्रूमिंग में इंटरेस्ट है. आप क्या कर सकते हैं, अपना पे इंटरेस्ट पे बोर्ड बना सकते हैं, अपनी कलेक्शन, अपनी ऑनलाइन कलेक्शन, बेसिकली सूट्स में इंटरेस्ट है कैजुअल तो उसकी कलेक्शन का पेज बना सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं तो अपने एक पीसी पे फोन में फोल्डर बना सकते हैं, नहीं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ऑनलाइन कि ग्रूमिंग में क्या ट्रेंडिंग है, बेल्ट के साथ सस्पेंडर्स पहने नहीं जाते हैं, जाते हैं, कौन सी डेट पे कौन सा आउटफिट, कौन सी चीजें खराब लगती है फर्स्ट डेट पे, इस चीजों पे आप रिसर्च कर सकते हैं, आपका टेस्ट भी डेवलप होगा. और क्या, आप अच्छे अच्छे फॉलो कर सकते हैं पेजेस को, सब्सक्राइब करिए. स्ट्रीट स्मार्ट पर्सनैलिटी सबको पसंद आती है, ऑन द स्पॉट सिचुएशन हैंडल करने लगा. कई लोग क्या होते हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, गलत हो रहा है होने देते हैं, दैट्स रॉन्ग. लेकिन उस हैबिट को कैसे इंप्रूव करें, ऐसी क्या हॉबीज है? पहला, ट्रैवलिंग हेल्प्स अ लॉट. नए लोगों से मिलना या कभी आसपास जो पार्टीज हो रही है उस पे जाना अवॉइड ना करना, उससे कॉन्फिडेंस खुलता है. 2-3 लोगों में रहेंगे, जब नए लोगों से मिलेंगे वहाँ पे आप नर्वस होंगे, कभी कुछ गलत भी हो रहा है तो आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे. ऑल्सो इट्स प्रूवन कि वीडियो इंटरेक्शन, चाहे आप जूम कॉल ज़्यादा करिए फ्रेंड्स के साथ या वीडियो पे स्टोरीज
जा लिया अपने कहीं पे भी, जब वीडियो इंटरेक्शन होता है लोगों से, इट ऑल्सो हेल्प्स यू ओपन अप। वो कौन सी नेगेटिव चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को खराब करती है? पहले बिंज वॉचिंग आजकल बहुत चलता है, वो नेटफ्लिक्स हो गया, वो प्राइम हो गया, उस पर क्या पूरे पूरे 3-4 दिन लगातार वो सीरीज खत्म कर दी। अरे साथ साथ सेमेस्टर भी तेरा खत्म हो चुका है, इस चीज का क्या ध्यान रखना है? वो चीजें आपको क्या करेगी, कुछ प्रोडक्टिविटी तो देगी ना, किसी को इंप्रेस करेगी, साथ साथ क्या होगा, एक्सेस में हर चीज बैड होती है, एनीथिंग। अगला क्या, अगला है मोमेंट्री प्लेजर पे डिपेंडेंसी। मोमेंट्री प्लेजर क्या, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, पॉर्न हो गया, या ज्यादा कुछ भी मीठा या जंक हो गया। मोमेंट्री का क्या, छोटे से टाइम के लिए आपको प्लेजर मिल रहा है उससे, फिर आपको अगले दिन वापस चाहिए वो प्लेजर। उसका मतलब क्या, वो प्लेजर आपको चाहिए ही चाहिए रहेगा, लेकिन अगर उस पर डिपेंडेंट हो गए, डेली मीठा खाना, डेली पॉर्न देखनी, मतलब उसके ऊपर एक्सेस में जब आप चले जाएंगे तो वो क्या आपकी पर्सनैलिटी को डल करेगा। योलो एटीट्यूड जो है वो गलत जब जाता है, मतलब क्या, आप इंजॉय करिए यू पार्टी बट विद लिटिल बैलेंस, मतलब क्या अपनी हेल्थ का बैलेंस है वो अल्कोहल स्मोकिंग हो, आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, सेविंग सारी मत खत्म करिए, आई नो आज को इंजॉय करना है बट विद अ लिटिल बैलेंस एंड लिटिल सेविंग। और क्या है दोस्तों, परफेक्शनिज्म के पीछे आपको कभी नहीं भागना, आपको चाहे गर्लफ्रेंड हो, मुझे परफेक्ट चाहिए, मुझे हर चीज में नंबर 1 आना है, गेमिंग में, कॉलेज में, क्यों, क्योंकि मेंटल सेटबैक होता है उसके पीछे अगर आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागेंगे, क्यों, ह्यूमंस आर नेवर परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, ये हमें एक्सेप्ट करना है, बस अपना बेस्ट देना है, क्योंकि चीजें फ्लक्चुएट करती है, हर कोई नंबर 1 पे नहीं रहता। अगला है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब हर चीज को डिले करने का एटीट्यूड, मतलब अगले मंडे से पढ़ाई करूंगा, महीने की पहली तारीख से मैं जिम ज्वाइन कर लूंगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 जनवरी से तो मैं पक्का इस सेमेस्टर की पढ़ाई करूंगा ही करूंगा। वो जो डिले करने का एटीट्यूड है, पता है क्या करेगा, हर चीज को आप डिले करते हैं, डिले करते हैं, सक्सेस पता है क्या बोलेगा, लड़की पता है क्या बोलेगी, तू डिले कर, हम अगले जन्म में मिलते हैं। और क्या आता है, टॉक्सिक कंपनी, किसी को नहीं पसंद वो किसी के साथ हो, उसके दोस्त क्या, वो कंपनी क्या, कोई कुछ काम ना करता हो, पूरे टाइम वेले बैठे रहे, चाहे वो टपरी पे बैठे रहे, कहीं पे भी, या ऐसी कंपनी हो जो आपको बुली करे, आपको कॉन्फिडेंस तोड़े। अगली हैबिट वो है जो किसी को पसंद नहीं आती, करियर गैम्बलिंग। अगर आप करियर में कुछ पैशन में फॉलो करना चाहते हैं, जैसे मैंने भी किया, अपनी लॉ की जॉब छोड़ी, उसके बाद मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, दैट्स माय पैशन, लेकिन आपने क्या, कल आपको फोटोग्राफर बनना है, यूट्यूब कर रहे, इसका अपने घर वालों को कन्विंस करा, पैसे अरेंज करें, डिग्री छोड़ी, चाहे आपने बनना है उस करियर का गैम्बल को, जो आपने रिस्क लिया, उसको सपोर्ट कौन करेगा, आपका हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी। अब कल किसी ने क्या बोला, गेमर चल रहे हैं, इस साइड आ जाए, आपका मन करा गेमर बनना है, परसों आपने बोला मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो फ्लक्चुएशन, वो क्या, गैम्बल नीचे ही जाएगा, आपका लॉस ही होगा। सो व्हेनेवर यू टेक अ रिस्क, जो भी टॉप पे लोग हैं, कभी किसी की नहीं सुनी, जस्ट वर्किंग हार्ड और फोकस। सो जब भी आप गैम्बल करें, जस्ट हार्ड वर्क एंड फोकस। सो ये सब कुछ था अबाउट हॉबीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब।